रात के बज रहे हैं 9 और भारती क्या कर रही है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं 3 साल पुराने वाला देखते हैं देखते हैं। भारती क्या कर रही है, दिख नहीं रहा है। अरे तू तो पैकिंग कर रही है। ये देखिए 3 साल पुराना पजामा, 3 साल पुराना पजामा और मेरा फेवरेट पजामा। पता नहीं भाई पैकिंग कर रही है, क्यों कर रही है, मेरा तो एक भी सामान नहीं है इसमें, तो अकेली है तू है ये। अरे एक पैंटी लेके जा रही है, बाकी बोल रही है कि टी शर्ट है मेरी पहन लेना। अरे नहीं तो एक बात बता, क्या तो ये क्या जरूरत है, तू तो पूरी जिंदगी एक उसमें भी गुजार सकता है ना वैसे तो मैं तो मेरे सारे कपड़े तू ही डालती है। तो मेरे पास कपड़े नहीं है। तेरे पास कपड़े नहीं है, अगर गलती से तेरी मैंने अलमारी दिखा दी ना तो मैं ऐसा मुझे अपने कपड़े ढूंढने पड़ेंगे मेरे कहाँ पे। मैं दो हैंकी भी लेके जा रहा हूँ एक्स्ट्रा, एक तो लेके जाऊंगा। ठीक है और ये बता तेरी बस ये काफी है, वो एक और टी शर्ट मैं अपनी ये भी डाल लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है क्योंकि डाल ले, मतलब पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा तो मतलब पता ही नहीं अभी डिसाइड नहीं है कि ये बैग एक जाएगा या दो जाएंगे। मैंने पैक कर ली है ये जो है, अच्छा जो लिखी हुई है यहाँ पे, तो अब ये दो चार चीजें रह गई हैं, ये करनी है बस, है ना। ठीक है इसमें भी रख लिया, बैग भी रेडी हो गया, ये भी रेडी हो गया भाई, तो अभी ये ऑलमोस्ट हो गया है बस, अभी इसी का बैग है। हम जाएंगे 24 कितनी तारीख, 22 तारीख को। हम 22 तारीख को कहीं जाने वाले हैं, तो ये नई जगह पे जा रहे हैं। सीक्रेट नई जगह पे जा रहे हैं, पर जब जाएंगे तब बता ही देंगे वैसे तो, पर अभी तो फिलहाल पैकिंग ही कर रही हूँ मैं। चलो फिर अब हम मिलते हैं आपको सीधे ही जहाँ पे पहुँच जाएंगे। नहीं हाँ। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे। आज तो अभी आज के तरीके, आज 20 तारीख है, अभी 20 21 22, दो दिन पहले थोड़ी नहीं तो मैं 2 दिन पहले पैकिंग और अभी एक बैग पैक हुआ तो पता नहीं कितने बैग पैक हो जाएंगे। मनु ऐसे मत बोल यार, एक ही चलो, एक तेरा भी है ना और एक बाद में देखूंगी, अगर मेरा एक और हो जाए, 3 होंगे अगर ज्यादा होगी, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। ठीक कम भी हो सकते हैं। डन, ठीक है फिर, कर दो गुड नाइट कर दो आज की। गुड नाइट। आज है 21 तारीख और ये आए हैं ऑफिस से, खाना खुना खाया हमने और अभी आ गए हैं अपने बाल कटवाने, क्योंकि कल फिर हमें निकलना है तो इनको अभी टाइम मिला है। सुबह के अभी 4 भी नहीं बजे, बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं, अब हम निकल गए हैं। मन्ना पहुंच गए हैं स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, और हमने बड़ी मुश्किल से वो ढूंढा है क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म। हाँ प्लेटफॉर्म नंबर पता ही नहीं लग रहा था हमें, और हम ना पहुंच गए हैं बस कैसे करके। देखो भारतीय रेलवे स्टेशन पे घूम रही है, हम 4:45 बजे के निकले हुए हैं और बड़ी तो हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से प्लेटफॉर्म मिला। भारती 3 बजे की उठी हुई है और इतनी गर्मी है भाई पूछो मत, भारती 3 बजे की उठी हुई है। 3 बजे उठी का मैं सोई नहीं हूँ। अच्छा सोई नहीं तू? अरे मैं तो सो गया था। अच्छा बोला अब उठ जाओ, अब मैं नहीं करूँगा। देखो सुबह आ गए पर हमारी जो ट्रेन आई ना आधा घंटा लेट है, तो भाई परेशानी वाली बात हो चुकी है यहाँ पे सुबह। अभी तक हम बताया नहीं अभी और अभी बताएंगे भी नहीं, तो ये थोड़ा सा व्यू ले लो यार। चलो भारती गुड मॉर्निंग कर दो सबको। ठीक है आ गई हमारी ट्रेन, हमारी B4 है। इतने पैसे खर्च करके ये मुर्दों वाली चादरें और इस सीट पे बैठ नहीं सकते हैं हम, मुर्दों वाली चादरें बहुत बुरे लग रहा है मुझे सच में। इससे जो धक्का मुक्की वाली ट्रेन ही अच्छी होती है ना मन्नो। चल पड़ी है ट्रेन शायद, हाँ चल गई वो देखो। हमें लग रही है ठंड तो हम आ गए बाहर, बाहर ये गेट होता है ना जो।
करीब बोल दे आधा कर घंटा है ना शायद 15-20 मिनट ज़्यादा ज़्यादा। अभी तो ट्रेन लेट है, 8 बजे पहुँचनी थी लेकिन 10 बजे पहुँचेगी, 2 घंटे वो भी फिक्स टाइम पता नहीं है। यहाँ आ गए हम, यहाँ जहाँ लेटरिन बाथरूम होते हैं ना और इधर बहुत गर्माहट है। मैं ना बहुत दिन के बाद ट्रेन में बैठी हूँ, मज़ा आ गया। बस एक खिड़की मिल जाती ना मुझे तो ज़्यादा मज़ा आता मन्नू मुझे। हमारी सीटें हैं ऊपर और बीच में, तो अभी ये नीचे वाली सीट खाली हुई है तो अब हमने यहाँ पे कब्जा कर लिया। अभी कोई और आएगा तो हमें हटा देगा, छुड़वा देगा तो हमारे यहाँ से निकल जाएगी प्रॉब्लम, फिर हमें खड़ा होना पड़ेगा। कैसी मजबूरी है, सीट है लेकिन हम उस पर सो नहीं सकते क्योंकि हमने सोना नहीं है, बैठना है और बैठा जाता नहीं है वहाँ पे, मेंढक बनना पड़ेगा मेंढक। काफ़ी दूर तो नहीं है 3 घंटे का सफ़र है वैसे। मुन्ना क्या हुआ, ये काला कंबल ओढ़ के बैठे हैं मैं मेरा शॉल, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अब हम पहुंच गए हैं बयाना। मुन्नू कहाँ पहुंच गए हो अब? हिंडोन। हम पहुंच गए हिंडोन सिटी, हिंडोन, किसी ने हिंडोन के ड के वहाँ पे पता नहीं क्या कर दिया है तो हिंडोन पहुंच गए हम। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि अब हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो अब इसके आगे जो लास्ट अड्डा है वही हमारा अड्डा है, अड्डा स्टेशन, स्टेशन। तो फिर अब हम आपको वहीं पे मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बाय बाय, मनु बाय कर, हाथ निकालो।